Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, abhi hamara clause, relative clause wala video chal raha hai hamara. To maine first part aapko padha diya hai, ye jo hai second part hai, relative clause ka part 2 hai. To पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा रिलेटिव क्लाउज के ही सेंटेंसेस हैं, बट यूज़ ऑफ हुम, हु, दैट. हम किस सेंटेंस में, किस तरह के सेंटेंस में हुम, हु और दैट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वो लड़का जिसको मैंने कल पीटा था वो आज तुमसे मिलने आया है. तो इस तरह के जिसको मैंने पीटा था, कल पीटा था, इस तरह के सेंटेंसेस में हम जिसको के लिए या जिसे के लिए, जिसे, जिसको, जिन्हें, इस तरह से आएगा. तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे आज हम यही सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. पिछली क्लास में मैंने जो रिलेटिव क्लाउज के बारे में बताया था आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस टॉपिक को भी समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हु, हुम, यही सब का फ़र्क होता है. बाकी सारे सब कुछ वही होता है, सारा चीज़ वही होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करने से पहले हम एक कन्वर्सेशनल वीडियो देखते हैं. तो लेट्स वॉच. Hey Kiran, how are you? I am fine. What's going on? Well. Are you well? Yes. When do you get up? I get up at 6 o'clock. Do you bath every day? Yes, I do. Do you go for a walk? Yes, I do. When do you go for a walk? I go out of town. Why do you go out of town? There I get fresh air. What game do you play? I play volleyball and cricket. That's very good. Everybody must do as you do. It's all very nice habit. Yeah. Bye. Okay friends, let's start. जिस लड़के से कल मैं मिला था वो आज आया है. तो जिस लड़के से कल मैं मिला था, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द बॉय. हम इस तरह के सेंटेंसेस को हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक ही तरीका शामिल नहीं होगा, इसमें हम चार तरीके से बना सकते हैं एक ही सेंटेंस को. जैसे द बॉय, जिस लड़के से मैं कल मिला था, हुम आई मेट यस्टरडे, द बॉय whom I met yesterday has come today. ठीक है फ्रेंड्स, लंबा हो जा रहा है, बट सेंटेंस लंबा हो जा रहा है, लेकिन लंबा देख कर ये मत सोचना कि बाप रे ये तो बहुत भारी है. भारी कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है. आप बस सिर्फ समझ जाओ, आप टेंस समझ चुके हो ना, बस कोई भी मुश्किल नहीं होगा. आप सिर्फ एक बार ध्यान दो, जिस लड़के से कल मैं मिला था, द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे. अब यहाँ पर ही हैज कम टूडे, यहाँ ये लिखने या बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम दूसरी तरीका लेते हैं. द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, बाकी वही हो जाएगा. यहां पर सिर्फ चेंजिंग होगा, हुम की जगह हम हु लगा देंगे, बस और कुछ नहीं. द बॉय हु आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे. ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा तरीका, द बॉय दैट आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे. द बॉय दैट आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे. वेरी सिंपल, सिर्फ यहां बदलाव करना, बस whom, who और that की जगह पर. ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये who, whom, that ये सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम
तो यहाँ पर हम ये तीन सेंटेंस मैंने बनाया और तीनों में अलग अलग चेंजिंग है। अब जो चौथा बना रहा हूँ इसमें से न तो तीनों में से कोई होगा न कुछ भी नहीं डालेंगे, बस डायरेक्ट बना देंगे। जैसे द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे, द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है बोलचाल में क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा नहीं होता है, हु और दैट को हम हटा देते हैं बट अर्थ वही निकलता है। तो ये चार तरीके हैं, चारों तरीके में से आप कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, बोल सकते हो, सब सही है। और जो भी आपको कंफर्टेबल होता है बोलने में, जो भी इजी लगता है या कंफर्टेबल लगता है, तो आप बातचीत करते टाइम में किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे ख्याल से द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टूडे, इट विल बी बेटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती है, द गर्ल हुम आई लाइक डजंट लाइक मी लाइक मी, ठीक है फ्रेंड्स। द गर्ल हुम आई लाइक डजंट लाइक मी, सेम है, ऐसा ही है। बस मैं आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आप खुद ही सोचो, हुम की जगह सिर्फ चेंजिंग आएगी, द गर्ल हु आई लाइक डजंट लाइक मी, ठीक है। तीसरा द गर्ल दैट आई लाइक doesn't like me, तीसरा the girl, चौथा sorry the girl I like doesn't like me, ठीक है friends, the girl I like doesn't like me, बहुत ही simple है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा लंबा लंबा सेंटेंस देखकर आप ये मत सोचना कि यार ये बहुत भारी है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत यहाँ से वहाँ तक पूरा बोर्ड भर जा रहा है, इतना लंबा लंबा सेंटेंस कैसे याद रहेगा, कैसे बनाते हैं, समझ जाओ। आपको समझना, बस ये समझने वाली बात है, आप समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। आप सिर्फ एक बार दो बार चार बार इस्तेमाल करके देखो, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल ही कम्फर्टेबल महसूस होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में, कोई मुश्किल नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसी में, जो प्राणी नहीं है मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम बात करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वैसे सेंटेंस बनाकर देखेंगे, ओके। मैंने सेंटेंस लिख दिया है कि जिस टेबल को मैंने कल खरीदा वो बहुत कीमती है। तो यहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं सिर्फ तीन तरीके से बना सकते हैं, चौथा तरीका नहीं बनेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो द टेबल विच I bought yesterday is very costly, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा तरीका होगा the table that I bought yesterday is very costly, और तीसरा तरीका क्या होगा the table I bought yesterday is very costly, simple है friends। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वैसे सेंटेंसेस को सिर्फ तीन तरीके से बनाएंगे, चौथा तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला तरीका है द टेबल विच आई बाउट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली, दूसरा तरीका है द टेबल दैट आई बाउट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा तरीका है द टेबल आई बाउट यस्टरडे वेरी कॉस्टली, तीनों ही फॉर्मूला जो है वेरी सिंपल और आप इसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको बोलने में आसान लगे, इजी लगे, वो आप बोल सकते हैं, तीनों में से सब सही है। और
जो भी ज़्यादातर ये बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और इजी है और छोटा भी है थोड़ा, इसके लिए द टेबल आई बाउट स्टडे इज़ वेरी कॉस्टली। तो ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं और किस तरह से बनाया जाता है ऐसा सेंटेंस। इसमें और भी वीडियो बनेंगे, ये पार्ट टू था, पार्ट थ्री भी बनेगा, फोर भी बन सकता है। अब इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है फ्रेंड्स, जो एक ही वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बताने जाते हैं फिर वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग बोर होते हो देखने में। सो नेक्स्ट वीडियो में ओके। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।